भाई धन्यवाद करना चाहूंगा खेड़ी चोपटा से जगदीश जांगड़ा का, भाई सिंगवा से भाई सोनी जांगड़ा जो लगातार इस आंदोलन में सिंगवा गांव से बैठे है भाई, एक बार खड़ा है एक बार बात ने इस आंदोलन में जब से ये आंदोलन चल रहा था बैरीगेट तोड़न से लेकिन तंते मंते दंते के सेवा नहीं करी, एक्सीडेंट हो गया था छाछ पर दपड़ गया था, उसके बाद भी बॉर्डर के ऊपर गया भाई। जो ये सरकार दुष्प्रचार करना चाह रही है यो दुष्प्रचार जब मिटेगा जब हम अपने भाइयों में आगे करना सीखा। आपके बाद बीच में दीपक पंडित बैठा, आपके बीच में संदीप रोड बैठा, जो रात दिन बैठे उनकी बात बताऊं, रोजाना उनकी बात नहीं बता रहा मैं। रणवीर वाल्मीकि बैठे आपके बीच में, जिम्मर परिवार से बैठा, चमार परिवार से बैठा, कौन सी जाति का व्यक्ति नहीं जो रात में हमारे साथ टेंट में नहीं सोता। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी गलती कर रहे हैं, उनको एक्सपोज नहीं कर पा रहे। एक तो हमें शुरुआत करनी होगी उनको मान सम्मान देकर एक्सपोज करने की, पद पद जैसे आप संचालन करने को संचालन करवा दिया, कमेटी का प्रधान बना दिया, जिस प्रकार से बाडो पट्टी टोल प्लाजा के ऊपर सदानंद बाडो पट्टी टोल प्लाजा सारा संयुक्त किसान मोर्चा का अध्यक्ष बना रखा राजली गांव से। और दूसरी बात यह है कि आज का जो धरना है मुख्य रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए कल के लिए किस प्रकार से संख्या बढ़ाई जाओ, कौन व्यक्ति अपने क्षेत्र से एरिया क्षेत्र से। भाई प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा हमारे बीच में आए, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं, भाई जिंदा हमारे बीच में सरसा से आए हैं उनका भी धन्यवाद और स्वागत करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य हैं और वरिष्ठ नेता है जो इस आंदोलन को शुरू करने वालों में से एक है, सिरसा के अंदर दुष्यंत चौटाला। इस आंदोलन की दो बड़ी उपलब्धि है, एक तो देवीलाल परिवार के खिलाफ आजादी के बाद पहला आंदोलन होया सिरसा के अंदर, दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला का घर घेरिया गया, नहीं तो राजा हम हैं कोई नेता नहीं, नेता तो हम मान रहे हैं उस क्षेत्र में नेता नहीं राज्य है, वह गुंडे हैं बदमाश हैं भय खाते हैं लोग वहां। दूसरी बड़ी उपलब्धि पीछे जो रिवाड़ी में राव इंद्रजीत का नाम सुनिया होगा, राव इंद्रजीत का घर घेरने का काम कराया, जब ये डीएपी वाली किल्लत बाजरे वाली बात का जब पता चला उन साथियों ने 1857 के बाद पहली बार राव इंद्रजीत का घर के बाहना आ गए, कुछ किसान गए और उसको घेरने का काम करे। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं भाई प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, भाई जोगेंद्र नैन, तमाम साथी जिन्होंने दुष्यंत चौटाला के घर को घेरने का काम किया था वो हमारे बीच में पहुंचे। मैं ये बात करा था कि दूसरी बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कल किस प्रकार से संख्या को बढ़ाया जावे, क्योंकि कल में तो घंटे बच गए, दिन तो बचे नहीं। इन घंटे में हम कई हजार कई लाख आदमी वहां पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या गांव में जाने के माध्यम से, एक किस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं प्रशासन के साथियों को कहना चाह रहा था, भाई कान खोल के सुन ले प्रशासन के साथी, अभी सतरोड गांव दोनों सतरोड कच्ची और यदि रोड जाम लगवा रखा था, लाग रहा था ना, यह कोई भाग की बात नहीं है, ये कोई कानून वापसी की बात के लिए नहीं बैठे हैं, यहां हमारा एक नौजवान साथी है उसके जीवन मृत्यु के सवाल के ऊपर बैठे हैं, किसी माँ के बेटे के लिए बैठे हैं, किसी बहन के भाई के लिए बैठे हैं, किसी गांव के बेटे के लिए यहां बैठे हैं। इस बात को इतना हल्के मन ले, आज तो हमने गांव को समझा दिया और उनने रोड जाम भी खोल दिया, लेकिन अगर कल का दिन निकल गया
साथियों मैं गारंटी नहीं देता कि ये बात कहां तक पहुंचेगी, अगर दे सके कोई गारंटी, क्योंकि गांव गांव के अंदर से फोन आ रहे हैं, गांव गांव के अंदर पंचायतें हो रही हैं, गांव गांव के अंदर एक ही सवाल उठ रहा है, वो जो भाई कोमा में चला गया उस भाई का मजाक बनाया जा रहा है। सातरोड की पंचायत में फैसला होया, अगर मारा बेटा कोमा में पड़ा है और उस कोमा में पड़े मारे बेटे का मजाक आसी की जिम्मेदार पदाधिकारी एसपी मैडम मिर्गी बताकर उसके मुखाल उड़ाने का काम करें। प्रशासन के साथी हमें कमजोर ना समझे भाई, दर्द मारे भी हो है, मान सम्मान मारे भी है, कदेश में मरी जाओ भाई कोई अफसर बन गया तो मारे बारे में किमे भी कह देगा। सीधी चेतावनी है, आपके पास आज का दिन है, आज भी घंटे दो घंटे बताऊंगा आपने, घंटे दो घंटे के बाद ना ये मोर्चे के बस की बात रहेगी ना ये खाप के बस की बात रहेगी। लोग अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, सारे हरियाणा नहीं पूरा पंजाब और यूपी, कल राकेश टिकेत के लड़के यहां पहुंचे थे, भाई बता रहा था कि यूपी के अंदर भी बहुत बड़ी चर्चा इस वक्त हम नारनूंद के धरने की है, पूरे भारत से किसान आएंगे और ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कल क्या होगा, कल का बारे में तो कल फैसला होगा कल क्या होगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मोर्चा लगा है नारनूंद के जो लोकल कमेटी है सत्रह और खाप से भी निवेदन करना चाहूंगा, कल एसपी ऑफिस के अंदर घेराव के लिए सारे साथी जाएंगे, क्योंकि घटना यहां की है, इस आंदोलन का असली खूंटा यो है, जे दो आदमी बैठे रही हो, क्योंकि थाना घेरी बैठे हैं, दो आदमियों का भी वजन बना है, दो आदमी मीडिया भी छपेगी, अगर कितने बात जागी तो दो आदमियों की भी नू जागी, भाई थाना घेरी बैठे हो। साथियों इस बात का विशेष हमने ख्याल रखना, इस मोर्चे को किसी भी सूरत में यहां जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इस मोर्चे को चाहे दो व्यक्ति चलाए नारनूंद के, लेकिन ये मोर्चा भी यहां चलेगा। संतुष्ट हो गए सारे इस बात से, सहमत हो? तमाम जो साथी जो इस मदद के लिए 2,000, 4,000, 10,000, 11,000 दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। सारा जो मामला है प्रशासन साहब ने एक मिनट का काम है। जब ये मारे ऊपर झूठे मुकदमे बना सके हैं, क्या ये सच्चे मुकदमे नहीं बना सकते? क्या ये कानून की रखवाली करने खातर वर्दी पा रहे हैं? क्यों गिनते ही जब ये वर्दी जब पा रहे हैं एचसीएस आईपीएस अधिकारी, कसम खावे इस वर्दी की रक्षा करेंगे, खांदे होंगे, अरे भूल गए उस कसम ने, पब्लिक की सुरक्षा सेवा करेंगे या सेवा पब्लिक की आदत आनंद बैठा रहे के सारे, क्या इन नेताओं के लिए पुलिस है पुलिस बना रखी है? क्या आम किसान की सुरक्षा कौन करेगा और आम नागरिक की सुरक्षा कौन करेगा? अगर ये हमारी सुरक्षा ही नहीं करेंगे, अगर ये दूसरे चौटाला खट्टर का केला लाइन बनाए पुंजड़ बनी हन देंगे, हमने क्या जरूरत है इनकी?
आप बताओ जरूरत रह जाएगी इस पुलिस की? साथियों, हिसार जिले के अंदर पुलिस के अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं, पहले भी आप लोगों ने गलती की थी। हिसार के अंदर आपने एक समझौता करा था, उस समझौतों को तोड़ने का काम आपने करा था, उसका परिणाम यह निकला था हिसार जिले के 84 गांवों में पुलिस का बहिष्कार कर दिया था। झुंडसी मरोड़ में पुलिस घूमने लायक रही, याद है डाटा गुराना, डाटा मसूद बुट ने काफिला वापस जाना देखा था, कौन देखा था? बाजे ने उल्टे समान तय उम्र तय कितने गांव में गिना, 84 गांव मैंने गिने थे, 84 गांव। और उस टाइम भी उन्होंने आईजी साहब को कहा था, आप लोग अपने कर्तव्य को निभाओ, अगर ये जो क्रांति जो चल रही है इनका विश्वास अगर पुलिस से उठ गया, अगर 84 की जगह ये 300 गांव हो गए तो शहर जिले में पुलिस का के औचित्य रह जाएगा, बताओ रह जाएगा? जहां हम पीड़ित हो गए, हम आपसे बाकी हो गए, किसके एसपी बनोगे भाई, किसके डीसी बनोगे? खट्टर के तो बनंतर है। सही बात कही था हमने, अगर ये जनता बाकी होगी प्रशासन से सरकार से, आप भी मारे गेल ने कंठे छोलोगे, जो बात था उन्हें कही गंडे गंडे छोलेंगे, कंठे ला लिया तो अभी तो दोनों काम, इसलिए निवेदन है कि इस किसान परिवार को, इन बुजुर्गों को, इन माताओं को भाई रहे मजबूर ना करो रहे, 11 महीना दबे त्या रहे, और बड़ा दर्द हो रहा हमारे 750 भाई मर रहे, 750। और भाई कोई भाई नु हाथ मत जाने, शशा का भाई हमने हाथ तारिया उड़े फांसी का लटक रहा था, और उसने पेज लिख रखा था, एक पेज उस पेज पर लिख रखा था, साथियों मैं बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की गलत नीतियों के कारण से मैं अपनी जान का अपनी जान बलिदान कर रहा हूं। अरे जो फांसी खा के अपना नाम लिख जाए भाई नेम, या पुलिस वहां इनकी वर्दी खुट्टी का टंग जाए जब उन्हें पकड़ के लिया हो, जिनका नाम लिख रहे क्या नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन इनकी खुट्टी तो भाई, इनका डंडा और इनका घमंड मारे ऊपर चल रहा है, आपके बाप दादी तारे करोड़ा पेशाज और मारती है, मारे ऊपर इनका हंगा चल रहा, मारे ऊपर सारी दादागरी। साथियों ये बातें मैं इसलिए लिख आपसे बातचीत कर रहा हूं, अगर कल ये नहीं मानते, अगर आज की शाम हो जाए, कल एसपी ऑफिस में लाखों की संख्या में किसान आए, मेरे पास जो सूचनाएं पहुंच रही हैं, मेरे पास जो फीडबैक पहुंच रहा है, वो ऐसा फीडबैक पहुंच रहा है कि लाखों की संख्या में किसान आएंगे, और वो किसान एक गुस्सा, उनके अंदर एक गुस्सा है, उनके अंदर गुस्सा है अपने बेटे की सांस गिण गिण की घटने लायक रही है भाई। जब वो डॉक्टर बाहर आवा ने नू बतावा, नू कौन बताता जीवेगा कि मरेगा, 90% चांस लग गया था बताने डॉक्टर, 90% चांस से बच जाएगा, फिर हमने फोन किया बोला 70% चांस से बच जाएगा, फिर बोला 50% चांस से बच जाएगा, इवन का 20% चांस से बच जाएगा। एक एक सांस ने ऊपर शासन उसके अंदर पीने लायक रहा, उसको न्याय नहीं दे सकता। एक डेढ़ घंटे का टाइम है, सारे मौजूद लोग यहां बैठे हैं, खापे बैठे हैं, अगर तारे पे कोई समाधान है तो ठीक है, वरना उसके बाद लड़ाई दूसरी होगी। कल की लड़ाई का कोई अंदाजा नहीं है किसी को कि लड़ाई क्या होगी, कितने टाइम तक चलेगी, कोई अनलिमिटेड होगी, क्या होगा, कल की लड़ाई तो कल ही देखी जाएगी क्या होगा। राज्यों सारे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार नारे ला दो पूरी मजबूती के साथ, किसान नेता जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।